बिग बॉस ओटीटी विजेता एलविश यादव के खिलाफ नोएडा में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एलविश और उनके साथियों पर नोएडा में रेव पार्टी कराने का आरोप लगा है। इनमें प्रतिबंधित सांपों के जहर के इस्तेमाल और विदेशी लड़कियों को बुलाए जाने की बात कही गई है। एक्सटिंग ऑपरेशन के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एलविश यादव के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। हालांकि एलविश यादव मौके पर मौजूद नहीं थे। वेस्टिंग ऑपरेशन में फंसे आरोपियों के कब्जे से 20 मिलीलीटर जहर और 9 जिंदा सांप बरामद किए गए हैं, जिनमें से 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 मोहिया सांप और 1 रेड स्नेक है। इन सांपों और जहर का इस्तेमाल पार्टी में नशे के लिए किया जाता था। वही एलविश यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं और आईपीसी की धारा 120B के तहत केस दर्ज किया गया है। अब वही दूसरी तरफ बीजेपी सांसद मेनका गांधी की तरफ से संचालित संस्था पीएफए के एक अधिकारी को नोएडा और एनसीआर के फार्म हाउस में सांपों के जहर से रेव पार्टी की सूचना मिली थी। आपको बताते चले कि पुलिस को दी गई शिकायत में उन्होंने एलविश यादव का नाम लेते हुए कहा कि उनके खबर मिली थी कि यूट्यूबर इस फार्म हाउस में वीडियो शूट कराते हैं और रेव पार्टी की जाती है, जिनमें विदेशी लड़कियों को भी बुलाया जाता है। मेनका गांधी का आरोप है कि एक मुखबिर ने एलविश यादव के संपर्क किया और नोएडा में रेव पार्टी करने और सांप के जहर का प्रबंधन करने को कहा। वही कथित तौर पर एलविश यादव ने अपने एजेंट राहुल का नंबर दे दिया और उनका नाम लेकर के बात करने लगे। इसके बाद राहुल से बात की गई तो वो रेव पार्टी के लिए तैयार हो गए। वही आपको बता दें कि राहुल ने अपनी टीम के साथ गुरुवार को सेक्टर 51 के सेवरोन होटल में पहुंच करके बात करने को कहा। इधर डीएफओ नोएडा को इसकी सूचना दी गई थी। जैसे ही राहुल और उसकी टीम के लोग मौके पर पहुंचे तो ट्रैप करने के लिए खड़े लोगों ने उनसे बात की और सांप दिखाने को कहा। सांप देखने के बाद नोएडा सेक्टर 49 पुलिस और क्षेत्रीय वन अधिकारी दादरी को सूचना दी गई। पुलिस ने सभी आरोपियों को धर दबोच लिया। आरोपियों की पहचान राहुल, टीटू नाथ, जयकरण नारायण और रविनाथ के रूप में हुई है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि एलविश यादव बुरी तरह से फंस सकते हैं, क्योंकि सांपों की तस्करी और खासतौर पर जो विदेशी लड़कियों की ये जो पार्टी की जा रही है, रेव पार्टी की जा रही है, ये हमारे देश में प्रतिबंधित है और एलविश यादव ऐसे काम को करते हैं जिसको लेकर के वो बुरे फंस सकते हैं।